खुश हैं या गम है, किस प्रकार का माहौल है आपके पास, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो आप इस मैदान में दावेदार के रूप में होते। जी सही कहा, गम भी है खुशी भी है। तो ममता देवी का नया चेहरा आपको नया रूप दिखेगा और हमें नहीं लगता कि कोई विरोधी उनके सामने टिक। ममता देवी जी के आ जाने से बिल्कुल रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक परिदृश्य बदला है। रामगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक ममता देवी को मिली सजा पर हाईकोर्ट द्वारा आज स्टे लगा दिया गया है, जिसको लेकर उनके कार्यकर्ता सहित पूरे कांग्रेस पार्टी और रामगढ़ विधानसभा में जो भी उनके समर्थक हैं उनमें जबरदस्त खुशी की लहर देखने को मिल रही है। और उसी खुशी के नज़ारे को आप रामगढ़ के हृदय स्थली सुभाष चौक पर देख सकते हैं। जबरदस्त तरीके से पिछले एक घंटे से लगातार आतिशबाजियाँ की जा रही है, एक दूसरे को मिठाई खिलाया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, ममता देवी जिंदाबाद के नारे के साथ यहाँ पर जबरदस्त जश्न और उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। सबसे पहले यहाँ पर हम उत्साह मना रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं से जानेंगे कि जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे। पहले जिला अध्यक्ष जी आप बताइए। आज बहुत खुशी लग रहा है कि हमारे साजिश के तहत जो रणनीति के सहारे जो हमारे विधायक माननीय ममता देवी जी को जेल भेजाए थे और गोद में जो बच्चा थे वो भगवती माँ दुर्गा देख रही थी, आज केस में स्टे लग गया। और हमें मीडिया का माध्यम से कहना चाहेंगे कि जमानत जब्त करके यहाँ से चले जाएं। भारी बहुमत से ममता देवी, अगर पार्टी संगठन उनको टिकट देती है कांग्रेस पार्टी, हम लोग तो चाहते हैं, मांग करते हैं कि विधायक माननीय ममता देवी को, पूर्व विधायक ममता देवी को टिकट मिले, हम भी अनुशंसा करके उनको नाम भेजे। अगर कांग्रेस पार्टी से अगर विधायक ममता देवी जी को मिल जाता है तो जमानत जब्त विपक्ष का हो जाएगा और विधानसभा छोड़कर चले जाए। कितने खुश हैं, अभी भी आपको देख रहे थे कि अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे, शायद दिवाली का खरीदारी करने, दौड़ते हुए यहाँ पहुँच गए, जबरदस्त खुश हैं। हमारी पत्नी का रिम्स में एक बजे से ड्यूटी था, हमारे प्रवक्ता मुकेश यादव जी बोले, विधायक जी बोले, हम पत्नी को रिम्स में ड्यूटी छोड़कर 100 के स्पीड में गाड़ी चला के आए। आप पूरे कार्यकर्ता जनता आम ग्रामीण ममता देवी के सपोर्ट में एक जनसराब है। आज हम लोग दिवाली मना रहे, खुशी मना रहे, आने वाला विधायक हमारा ममता देवी ही रहेगा। बजरंग देवी जिंदाबाद। चुनाव की घोषणा से पूर्व से ही बजरंग महतो जी मैदान में उतरकर बजरंग महतो जी हैं जो ममता देवी जी के जा रहे थे पति हैं, लेकिन और अब पिछले मजबूती से रामगढ़ विधानसभा में बतौर कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में संभावना है कि अगर टिकट मिलेगा तो उनको मिलेगा, तो उनके लिए कैसे किस प्रकार का माहौल है आपके पास, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो आप इस मैदान में दावेदार के रूप में होते। उतना ही तेजी से देख दो कितना ममता देवी के लिए करेंगे। जहां तक सवाल बजरंग महतो जी का है, बजरंग महतो जी पार्टी के बड़े नेता हैं और वो लगातार विधानसभा क्षेत्र में दौरा कर रहे थे और इस आशा और उम्मीद के साथ कर रहे थे कि पार्टी जिसे भी प्रत्याशी बनाएगा उसे प्रचंड बहुमत से रामगढ़ विधानसभा में जिताएंगे। अब ममता देवी जी के आ जाने से बिल्कुल रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक परिदृश्य बदला है और विपक्ष को काफी चिंता है इस विषय को लेकर के कि ममता देवी का केस समाप्त हुआ है तो आने वाले समय में अगर पार्टी चुनाव लड़ पाएंगे तो रामगढ़ क्षेत्र के अंदर में एकदम लड़ पाएंगे। और मुझे लगा कमान से वही बार-बार कर रहा हूं, यहां पर बजरंग महतो जी हैं जो ममता देवी जी के पति हैं और पिछले बार रामगढ़ विधानसभा में बतौर कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में थे। ममता देवी जी के आ जाने से बिल्कुल रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में किस प्रकार का माहौल आपके पास, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो आप इस मैदान में दावेदार के रूप में होते। केस समाप्त हुआ है। जी सही कहा, गम भी है खुशी भी है। गम इस बात का है कि जनता जिस तरह से जनादेश हम लोग 19 में दिया था उसके सोच पे, जनता के सोच पे हम लोग काम नहीं कर पाए, जिसके 5 साल हम लोग नहीं काम कर पाए। जनता के जो सोच है रामगढ़ विधानसभा में, हम आज प्रेस मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ममता देवी, बजरंग महतो या कांग्रेस पार्टी को 5 साल मौका दे जनता, हम लोग दिखाएंगे कि जनता का क्या काम होता है। और वो मैंने देखा है जब उपचुनाव लड़ा तो बहुत सारी चीज़ों को मैंने देखा, तो मैं समझा कि जनता को क्या चाहिए, उससे सुख दुख से पता भी चला कि जनता क्या चाहती है। तो मुझे नहीं लगता है कि हम लड़े या ममता देवी लड़े, कांग्रेस के कोई भी कार्यकर्ता लड़े, इस बार कांग्रेस को यहाँ से हराना इतना आसान नहीं है। और जहाँ तक रहे ममता देवी, मैंने पहले भी आपका इंटरव्यू में कहा कि हम लोग एक दो जिसमें एक जान जरूर है, लेकिन ममता देवी हमसे कहीं जब कहीं भारी, उनके उससे हम सीखते हैं कुछ। तो कहीं ना कहीं ममता देवी को स्टेल लगने से पूरे कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर, मुझे में जो लहर है वो आप तो देख ही रहे हैं। मतलब साफ है कि आप दावेदारी कर रहे थे, आप और आपकी पत्नी दोनों, और क्लियर हो गया कि आप अपना नाम पीछे ले आते हैं और ममता देवी को ही आगे ले जाएंगे। जी कन्फर्म है। देखिए वो तो उस टाइम उनका केस था तो हम लोग चाहते थे कि भाई कार्यकर्ताओं को कहना था कि आप भी दावेदारी कीजिए, मैडम का भी दावेदारी कीजिए,
कीजिए, और हम लोग दोनों किए। और कहीं ना कहीं मैं इसलिए क्षेत्र में घूम रहा था कि जनता का जो अपेक्षा है उसको हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं आज एसटीएल लगाया तो हम लोग उम्मीद करते हैं, पार्टी आला कमान से भी मांग करते हैं कि जिस तरह आपने उन्हें 2019 में विश्वास करके टिकट दिया था, आप इस बार भी उन्हें दें। और हम लोग दिखाना चाहते हैं कि महागठबंधन की सरकार किस तरह काम करती है, और ममता देवी बजरंग महतो नहीं पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता और जेएमएम के कार्यकर्ता। स्थिति रहेगी इस बार, देखिए इसी स्थिति स्पष्ट है। अगर ममता देवी उस टाइम भी 23 में भी अगर बाहर रहती तो स्थिति आपको ही पता है, आप लोग प्रेस मीडिया के लोग हैं, आप लोगों को सब जानकारी है क्षेत्र में। अगर वो बाजेल में रहते हुए जब जनता मुझे 94,000 वोट दे सकती है, अगर वो बाहर रहती तो मेरा ताकत कितना बढ़ था। तो कहीं ना कहीं है कि लोगों के बीच हम बहुत जा नहीं पाए थे, और जिस तरह से अभी जो चुनावी माहौल आज आचार संहिता लग गया, मुझे लगता है 13 या 20 को चुनाव दिसंबर में, तो कहीं ना कहीं ये शुभ संकेत है कि माता रानी के दरबार में मैं सुबह ही 7 बजे पहुंचा था उनसे आशीर्वाद मांगने की, माँ हम लोग का मनोकामना पूरा करा। और मैं घर गया, कुर्सी में बैठा और मैडम का फोन आया कि मेरा स्टे लग गया, मतलब मैं घर भी नहीं जा पाया। तो कहीं ना कहीं शुभ संकेत है, और आपको विश्वास हम दिलाते हैं कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से निष्ठा भाव से काम करती है, जिस तरह महागठबंधन सरकार काम कर रही है, उस काम के एवज में जनता हम लोग को वोट करेगी, कांग्रेस पार्टी को वोट करेगी। ममता देवी चुनाव तो लड़ पाएंगे ना स्पष्ट, जरूर क्यों नहीं, एकदम लड़ पाएगी। और मुझे आला कमान से वही बार बार कर रहा हूँ कि मुझे पूर्ण विश्वास है आला कमान उन्हीं को टिकट देगी, मेरा उम्मीद है। यहाँ पर मुकेश यादव जी और ममता देवी को जब भी आप किसी कार्यक्रम में देखते होंगे, किसी भी सभा को संचालित करते हुए देखते होंगे, तो वहाँ पर ये व्यक्ति जरूर रहता है, उनके साथ साथ कदम से कदम मिलाकर रहते हैं। ममता देवी का जेल जाना और उसके बाद आज स्टे लग जाना, मतलब फिर से वो चुनावी मैदान में उतर पाएंगी और आप लोग फिर से डोर टू डोर अपने ममता देवी के लिए जा पाएंगे, कैसा फील कर रहे हैं? जब से ये निर्णय आया है तब से आप देख सकते हैं समस्त जितने भी कार्यकर्ता हैं, मुझे ही नहीं जितना भी कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता है, एक नया ऊर्जा का संचार हुआ है, और स्वतः स्फूर्त तरीके से सारे लोग खुशी मना रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, पटाखे छोड़ रहे हैं। निश्चित रूप से ममता देवी के बारे में यह निर्णय आना और उनका फिर से प्रत्याशी होना, यह रामगढ़ विधानसभा के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही पॉजिटिव ये साइन है। पिछले बार की ममता देवी और इस बार की ममता देवी कितना बदलाव होगा, कितना मजबूती से मैदान में उतरेंगे और कितना प्रभाव डालेगा उनका यह संघर्ष? पिछली बार तो ममता देवी नई नई थी, और अभी पूरे 5 साल तक वो तमाम तरीके राजनीतिक घटनाक्रम जो उनके साथ हुआ, जो उनके साथ षड्यंत्र हुआ, वो जेल गई, वो पूरी तरह तप गई हैं। और निश्चित रूप से इस बार जब मैदान में आएंगी तो ममता देवी का नया चेहरा आपको नया रूप दिखेगा, और हमें नहीं लगता कि कोई विरोधी उनके सामने टिक पाए। इस बार अगर उनको टिकट मिलता तो कितने अंतराल से उनको जिताने का काम करेंगे? 19 का जो रिजल्ट था, जो हम लोग 30,000 से विजयी हुए थे, निश्चित रूप से हम लोग उसी के आसपास रहेंगे और भारी अंतर से। तो बिल्कुल, ये आपने ममता देवी को जो हाईकोर्ट से उनके सजा पर स्टे लगाया गया उसके जश्न के नज़ारे को आपने देखा, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर आतिशबाजियां करते हुए यहाँ पर, और ममता देवी जिंदाबाद के नारे के साथ आज जश्न मनाते हैं। रामगढ़ के हृदय स्थली सुभाष चौक के नज़ारे को आपने देखा, और बुलंद तेवर में 30,000 के रिकॉर्ड अधिक मत से जीत के चैलेंज को भी आपने सुना। तो हम लगे रहेंगे चुनावी खबर को, क्योंकि आज का दिन जो है बहुत खास है। आज आचार संहिता, आज से संभावना लग जाएगी, चुनाव के तिथि की ऐलान हो जाएगी, मतलब कि आज से महापर्व शुरू होने वाला है। तो आप न्यूज़लैंड के साथ बने रहें और हम कोशिश करेंगे कि आपको तमाम पल पल के अपडेट को आपको दें। धन्यवाद।